Hello everyone, welcome to all of you. My name is Pooja Rawat and in today's session, I'm going to analyze the previous year questions that came in the NABARD grade examination, particularly with respect to ARD, that is your Agriculture and Rural Development. So we'll see what sort of questions were asked and what were the topics from which the questions were asked. So we'll see and we'll analyze what are the important topics and what do we have to keep in mind while we are preparing for this year's exam. Alright, so let's just start. So before we proceed further, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates and the upcoming videos also. Alright, you can also download our app. This is super comfortable and super easy to use. Then you can also join our Telegram group wherein we post our latest videos, you know, all the updates related to upcoming notifications or the videos that are updated in this Telegram group. So now let's just start taking the questions that came in the last year's exam. Alright, so yeah, so this was a question. There was a question related to emission gap report. So they asked, as per the emission gap report 2020, the largest emitter of greenhouse gases. So they have given multiple options out of which you have to choose the correct one. Alright, so the correct answer was the China. So जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके क्या पोर्शन है जो हमें एआरडी में प्रिपेयर करना है अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक. ठीक है, स्टैटिक तो सबको पता है, सिलेबस तो नवार ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें से तो क्वेश्चंस आएंगे. उसके अलावा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? उसके अलावा क्वेश्चंस आएंगे रिपोर्ट्स से. ठीक है, एंड या सो एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपके सिलेबस में है. तो ऑब्वियसली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उससे रिलेटेड करंट अफेयर में क्या आ सकता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर में आपकी एमिशन गैप रिपोर्ट है तो आपको वो भी पढ़ना है. तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, आपको एक ऑटो लिंकेज बनाना है. ठीक है, क्रॉस लिंकेज बनाना है बिटवीन द स्टैटिक एंड द करंट पोर्शन. ऑलराइट, सो एमिशन गैप रिपोर्ट में लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस पूछा था एंड द आंसर वॉज चाइना. ऑलराइट, द अनदर क्वेश्चन वॉज, सॉरी, which of the following is is the major Indian major carp. ठीक है, तो there are fisheries में अगर आप जब पढ़ेंगे उसको, आप fisheries is a topic in your syllabus and जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, different varieties हैं. तो carps आप Indian major carps के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, Indian carps भी होती हैं, कुछ foreign carps भी होती हैं. तो there were four or five options और बाकी के जो options थे वो foreign fishes थे, foreign carps थे. आपको you have to choose the Indian major carp and that was the Katla. ठीक है, तो question बहुत ही simple आते हैं, बहुत tough नहीं आते. तो आपको फिशेस पढ़नी है, उनकी कैटेगरीज पढ़नी है, किस तरीके से आप फिशेस को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर माइग्रेशन पैटर्न. ठीक है, माइग्रेशन पैटर्न कैसे हैं, देन ओशन फिशेस जो हैं वो ओशन में आपकी पिलाजिक फिशेस भी होते हैं, कुछ सरफेस फिशेस भी होते हैं. तो इसके अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या मिल गया, फिशरीज से कैटेगरी ऑफ फिशेस. ठीक है, आपको ये कैटेगराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द फिशरीज चैप्टर, सो वो इम्पॉर्टेंट है. देन अगेन कैटेगराइजेशन से ही दिस क्वेश्चन वॉज आस्क, लाइक पोटाड्रोमस फिश लिव्ड देयर इंटायर लाइफ इन द फ्रेश वाटर सिस्टम. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटाड्रोमस फिश. तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके से आते हैं, कैटेगरी से. अब कुछ फिशेस होते हैं जो पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल, अपना पूरा पूरा लाइफ टाइम जो है वो फ्रेश वाटर में ही बिता देती हैं. ठीक है, बाकी जो फिशेस होती हैं वो क्या होगा, किसी का बर्थ जो होगा वो सलाइन वाटर में हो रहा है एंड देन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर और दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द फ्रेश वाटर. तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस. तो अब चार ऑप्शंस आपने देखे हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, कि इसमें से कौन सी जो फिश है वो इस पोटाड्रोमस फिश है. तो करेक्ट आंसर वॉज कैट फिश. ऑलराइट, सो आई गेस आपको यहाँ से थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि आपको जब पढ़ना है कोई भी टॉपिक तो उसको किस तरीके से पढ़ना है. आपको अपना जो प्रिपरेशन है, यू हैव टू अलाइन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर. ऑलराइट,
another question that came from the fishery sector was the traditional method of processing fish by salting, drying, smoking and picking etc. are collectively known as what? ठीक है, तो अब आपके क्या हो गया, फिश प्रोसेसिंग में जब होता है उसका स्टोरेज होता है, देर आर नंबर ऑफ फंक्शंस और आई वुड से देर आर नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व, सो यू हैव टू नो दीज मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग. ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन आवर कोर्स. सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्योरिंग था. ठीक है, अभी बहुत सारे ऑप्शंस जो प्रोवाइडेड थे वो याद नहीं है, क्योंकि ये क्या, जितने भी हम क्वेश्चंस नोट डाउन करते हैं दीज आर द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, किसी के पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, तो जितना याद रहा क्वेश्चन उसके हिसाब से हमने फ्रेम किया है यहाँ पे. राइट, एंड दिस वॉज द क्वेश्चन. बाकी जो ऑप्शन है आई डोंट रिमेम्बर देम, बट या द करेक्ट आंसर हेयर इज क्योरिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्व्स पेरिनियल हेजेस अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब फॉरेस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट एले क्रॉपिंग वगैरह आप क्रॉपिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे. ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम में आप इंटरक्रॉपिंग होती है और वो भी बहुत सारी टाइप की क्रॉपिंग होती है आपकी, एले क्रॉपिंग है. ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. अब उसमें क्या है कि देर विल बी अ रोज ऑफ ट्रीज, इस तरीके से एले क्रॉपिंग में रोज ऑफ ट्रीज हैं आपकी, रटूनिंग होती है, रोटेशन पढ़ेंगे आप, बहुत सारी क्रॉप्स के दिस इज इन योर सिलेबस. ऑल राइट, तो एले क्रॉपिंग क्या होगी, इस तरीके की रोज होंगे एंड बीच में आपके एग्रीकल्चर क्रॉप है, यहाँ आप ट्रीज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं एंड इन बिटवीन यू आर कल्टिवेटिंग योर क्रॉप्स. दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज नोन एज एले क्रॉपिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम द हॉर्टिकल्चर. दिस क्विंकिंग सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट, योर फ्रूट्स, योर वेजिटेबल्स. ठीक है, देन सीरियल्स हैं पल्सेस हैं. तो दिस टाइप ऑफ प्लांटिंग इज मेनली यूज इन योर ऑर्चर्ड्स. ठीक है, तो ऑर्चर्ड्स में होती है, तो फ्रूट कल्टिवेशन के लिए ये जो प्लांटिंग सिस्टम है मोस्ट बेनिफिशियल होता है. ऑलराइट, सो हॉर्टिकल्चर में प्लांटिंग सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, और हर बार यहाँ से ही क्वेश्चन आता है. अगर हॉर्टिकल्चर में देखें तो क्वेश्चन या तो करंट से हो सकता है, या फिर जो क्वेश्चन बनता है वो प्लांटिंग सिस्टम से ही बनता है. आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम है, स्क्वायर सिस्टम है, तो ये सिस्टम होते क्या है, इसमें प्लांट्स को कैसे जो है अरेंज किया जाता है, एंड देन व्हाई आर दे यूज्ड, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू नो. ऑलराइट, अदरवाइज इस ईयर जो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि विच स्टेट इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम वेजिटेबल, राइट, हॉर्टिकल्चर से इस तरीके से पूछे गए, तो स्टेट रैंकिंग पूछी गई थी, तो दैट वुड फॉल इनटू द योर करंट अफेयर. ठीक है, लेकिन है क्या, हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, तो हॉर्टिकल्चर इज इन योर सिलेबस एंड दीज आर द एरियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन. नाउ द क्वेश्चन, अगर सॉइल से देखें तो सॉइल कंजर्वेशन आपका टॉपिक है एक, राइट. तो क्वेश्चन आया था, द कलर ऑफ सॉइल इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड रादर देन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज. तो इसमें पूछा था कि कौन से सॉइल का जो कलर है वो बेसिकली जो भी उसका कलर है, इट इज़ मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड. तो हल्का जो रेडिश ब्राउन कलर आता है लेटराइट सॉइल का, इट इज़ मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड. सो इसी तरीके से आपको ब्लैक सॉइल के बारे में पता होना चाहिए. तो सारे सॉइल की प्रॉपर्टीज, सॉइल है, सॉइल की प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एरियाज आर इम्पॉर्टेंट, किस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है. ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट. फिर किस सॉइल में कौन सी क्रॉप जो है वो सूटेबल है. एक्सक्यूज मी. ठीक है, तो ये एरिया जो है वो आपको पता होना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सॉइल. ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर साल सॉइल से आता ही आता है. नाउ दिस क्वेश्चन वॉज अ बिट ट्रिकी आई वुड से, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था. तो इसमें पूछा था इन्होंने विच क्रॉप प्रोड्यूस मैक्सिमम रेजिड्यू. सो ऑप्शन थे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस. देखो ऑप्शन से आप थोड़ा सा डिड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू क्या होगा, जिसमें ड्राई मैटर कॉन्टेंट सबसे ज्यादा होगा. और वैसे भी करंट अफेयर में आपका स्टबल बर्निंग इतना ज्यादा न्यूज में था. ठीक है, तो जो थोड़ा सा भी अवेयर होगा तो आपको पता चलेगा जो राइस वीट से स्टबल होता है उसकी बर्निंग होती है, उसकी वजह से दिल्ली के आसपास के एरिया में काफ़ी स्मॉग हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है,
एंड बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है. तो दिस वॉज एन न्यूज. तो मैक्सिमम रेजिड्यू जो है वो आपको सीरियल से मिलते हैं. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ सॉइल कवर्ड विद एयर एंड मॉइस्चर. ठीक है, अब सॉइल है, सॉइल में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे सॉइल वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपको पता चलेगा सॉइल में सॉइल पोर्स होते हैं. ठीक है, जिस पोर में क्या होता है, आप सॉइल जैसे मान लीजिए सॉइल पार्टिकल है और इसके बीच में क्या है ये एरिया जो है वो सॉइल पोर, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एयर होती है, सॉइल एयर, सॉइल एयर, सॉइल मॉइस्चर विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रूट्स टू सर्वाइव, फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव. राइट, प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन पर्पज. सो दिस स्पेस इज नोन एज दिस सॉइल पोर, पोर स्पेस बोलते हैं इसको. ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉइल विच इज कवर्ड विद द एयर एंड मॉइस्चर एंड इज कॉल्ड द पोर स्पेस. ठीक है, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड विल स्टार्ट अ स्टैटिक सीरीज इन विच विल वी कैन शेयर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन आवर कोर्स. ऑलराइट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वर एक्चुअली फ्रॉम द सेशन दैट आई टुक ऑन द यूट्यूब. सो आई वॉज टेकिंग दीज स्टैटिक क्विजेस. So in which a lot of questions came from that also, right? And I'll start that again this year too. So the next question came is the drip irrigation, related to the drip irrigation. So irrigation, again irrigation sources, the types of irrigation, it's in your syllabus and this is very important. And yahan se ek question hamesha aata hai. So drip irrigation simply involves slowly delivering water to the plants at the root zone, results in saving of water. सो इन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन ये बोला था कि विच टाइप ऑफ इरीगेशन इन्वॉल्व स्लो डिलीवर ऑफ वाटर टू द प्लांट और एट द रूट जोन. तो ड्रिप इरीगेशन में क्या करते हैं आप, जो भी प्लांट होता है डायरेक्टली उसके रूट्स पे क्या होते हैं वाटर सप्लाई करते हैं ना, हम कैनल इरीगेशन नहीं कर रहे यहाँ पर, कोई फ्लड इरीगेशन टाइप नहीं कर रहे. सो टाइप ऑफ इरीगेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ पाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर. और ड्रिप इरीगेशन में आप डायरेक्टली रूट्स पे जो है वो वाटर सप्लाई करते हैं, और ये मोस्टली उन एरियाज में होता है, फॉर एग्जांपल ड्राईलैंड एरियाज में हम ड्रिप इरिगेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं जहाँ वाटर स्कार्सिटी हो. ऑलराइट, एंड इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ वाटर फॉर अराउंड 30-40%. सो दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज नोन एज द ड्रिप इरिगेशन. तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन ही होगा बेसिकली. इन्होंने क्वेश्चन पूछा था विच टाइप ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व्स दिस डिलीवरिंग ऑफ वाटर, स्लो डिलीवरी ऑफ वाटर एट द रूट जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, दे आस्क दिस क्वेश्चन, द कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, जब हम ये इरीगेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इरीगेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज होते हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द एरिया, द कमांड एरिया. सो मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो 2,000-10,000 हेक्टेयर के बीच में फॉल करता है. तो ये टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में कवर किया गया है ये क्वेश्चन, एंड दिस आई थिंक दिस हैज आल्सो बीन कवर्ड इन दिस एआरडी स्टैटिक क्विजेस व्हिच वर पार्ट ऑफ द यूट्यूब सीरीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा बिलोंग्स टू विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन. वेरी इजी क्वेश्चन. सो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज अ टॉपिक इन योर सिलेबस. तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं, इनका डिविजन किस तरीके से हुआ है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया में, देन देर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये आपको पता होना चाहिए. प्लस आपको पता होना चाहिए कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा एरिया इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया फॉल करता है. ठीक है, अगर आप 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं प्लानिंग कमीशन के अराउंड, तो हर एक क्लाइमेटिक जोन में कौन से स्टेट्स जो हैं वो फॉल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए. राइट, तो हरियाणा जो है वो ट्रांसकैंजेटिक प्लेन्स में फॉल करता है. बहुत इजी क्वेश्चन था, एंड ये टेस्ट सीरीज में भी कवर किया था हमने. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर नास नेशनल काउंटिंग सर्वे, द शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक इन टोटल जीवीए इन 2018-19 इज, तो द आंसर वाज 4.19%, एंड दिस डेटा वाज आल्सो मेंशन इन द नबार्ड एनुअल रिपोर्ट जो कि हमने कवर करी थी. ठीक है, तो नबार्ड एनुअल रिपोर्ट में ये डेटा मेंशन था टेबुलर फॉर्म में वहाँ पे, तो वहाँ से कवर होगा. तो आई गेस इम्पॉर्टेंट समझ में आ रही होगी कि नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट की इम्पॉर्टेंस क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एज पर हैंडलूम सर्वे, फोर्थ हैंडलूम सर्वे, द परसेंटेज ऑफ वीवर्स इन रूरल एरिया इज, सो द आंसर वॉज 88.7, एंड आई डिन
to cover this handloom survey in my YouTube series or in any taste series. But yeah, this was important. I missed it somehow. Because 2020 mein aaya tha, I guess. And yeah. So this is important. We're going to cover it this time. And maybe the question would not come. Because last year aaya, toh ho sakta hai is saal na hi aaye. But we'll cover it. So next question hai. What is the minimum forest cover to be maintained as per the National Forest Policy 1988? ठीक है तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अगेंस्ट फॉरेस्ट्री आपके सिलेबस में है तो उसमें हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं जो हमने कवर भी किया है अपना एआरडी के कोर्स में स्टैटिक कोर्स में हमने कवर किया ठीक है एंड एज पर दैट 1/3 इज द टारगेट अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तो इतना जो है फॉरेस्ट कवर हमें मेंटेन करना है 33% और 1/3 तो बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर किसी को बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी अगर स्टैटिक नहीं भी पढ़ा होगा तो करंट अफेयर में या स्कीम्स में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा नाउ स्कीम से क्वेश्चन आया था ये व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल भूजल योजना ठीक है तो कुछ स्टेटमेंट्स थे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन व्हिच एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटल भूजल योजना एंड अगेन दिस वॉज कवर्ड इन द ESI ठीक है ESI में ये कवर्ड था अटल भूजल योजना another question was as per agriculture census the share of operational holding for small farmer is so answer is 1 to 2 hectare so small farmer ki aapko definition pata honi chahiye small farmer marginal farmers kya hote hain small farmers kya hote hain agriculture census humne cover kiya tha and usme humne ye sari cheeze explain bhi kari thi okay so very very important agriculture census 2015-16 is the latest one and you have to cover this and You'll get a question from here from this agriculture census. Alright, तो आपको एक question इस साल भी जरूर पूछा जाएगा यहाँ से. Now the next question is the practice of growing two or more crops together in distinct row arrangement. ठीक है तो दो और या दो से ज़्यादा crop एक आपको एक distinguished row arrangement में अगर आप cultivate कर रहे हैं इस तरीके से row arrangement में तो उस type की cropping को हम intercropping बोलते हैं. ठीक है बहुत इजी है क्रॉपिंग सिस्टम में टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम से आपसे देखो आपको टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम से ही दो क्वेश्चन आ गए एक एली क्रॉपिंग से आ गया एक इंटर क्रॉपिंग आ गया ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉपिंग सिस्टम दो क्वेश्चन आए हर बार आते हैं नाउ दिस इज नॉट आई वुड से कि स्टैटिक पार्ट है ये ठीक है आपका ये डायनामिक है स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ FPOs दे हैव आस्क्ड कि सबसे ज़्यादा एफ पी ओ जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो किस स्टेट में तो ये अगेन आपको नबार्ड एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा ये डेटा ठीक है दिस डेटा वॉज देयर एंड द आंसर इज बिहार देर वॉज अनदर क्वेश्चन दिस विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन रन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो किस स्टेट में विमेन रन सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे ज़्यादा है तो इसका आंसर भी बिहार है एंड दिस डेटा वॉज ऑल्सो इन नबार्ड एनुअल रिपोर्ट तो नबार्ड एनुअल रिपोर्ट्स आई गेस 3 क्वेश्चंस थे ऑलराइट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग द सॉइल और ग्राउंड विद हे फार्म रेजिड्यू एटसेट्रा टू मेक मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन एंड कंजर्व मॉइस्चर इज कॉल्ड व्हाट तो दिस अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग अप क्रॉप प्रोडक्शन जो आपका टॉपिक है सिलेबस में तो उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो मल्चिंग इज द प्रैक्टिस इन विच यू कवर योर सॉइल ठीक है इंटायर फील्ड को आप कवर करते विद एनी फार्म रेजिड्यू हे एटसेट्रा उससे क्या होगा आपका इवेपोरेशन को आप रोकते हैं बेसिकली क्योंकि पूरी का पूरा आपने फील्ड को क्या किया कवर कर दिया फार्म रेजिड्यू से तो एक तो ये वीडिंग को कम करता है प्लस इवेपोरेशन को स्टॉप करता है तो मॉइस्चर जो है वो कंजर्व रहता है प्लांट जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है और उनका जो मॉइस्चर है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है और प्रॉपर जो है ग्रोथ होगी रूट्स को प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है प्रॉपर शेड मिलता है एंड इट आल्सो स्टॉप्स वीन तो अननेसेसरी कंपटीशन नहीं होता है वीड्स और क्रॉप का फॉर द न्यूट्रिएंट्स ऑलराइट सो मल्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एंड ये फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप ये यू विल कवर दिस ऑलराइट Now the next question is National Rural Livelihood Mission earlier known as what? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्कीम से आया है NRLM को पहले क्या बोलते थे कोई भी डीप घुसकर नहीं पूछा जैसे अटल भूजल योजना भी पूछी तो उसका सिंपली ऑब्जेक्टिव पूछ लिया राइट
पहले इसको स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना बोलते थे. तो जितने भी है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इनकी जो भी स्कीम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में ESI में फिर भी अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, बट एग्रीकल्चर जो ARD सेक्शन में जो स्कीम्स आती है उसमें काफ़ी ऊपर से ही पूछा जाता है. तो आप ओवरव्यू भी ले लेंगे इन स्कीम्स का, ऑल्दो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए, बिकॉज दीज स्कीम्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर ESI सेक्शन, सो यू हैव टू प्रिपेयर देम थोरोली. बट यहाँ क्योंकि मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे ARD की, तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही एक सरफेस रीडिंग भी अगर की हो किसी ने तो बहुत ईजिली ARD सेक्शन में कवर कर सकते हैं. ना अगेन देर वॉज अ स्कीम, दे आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम. सो आप देख रहे हैं स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरवेंशन इज टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मेकिंग डिस्ट्रेस सेल ड्यू टू लॉकडाउन एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस स्कीम एंड दे मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, ताकि जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके. तो दिस स्कीम इज ऑपरेशन ग्रीन. ठीक है, तो पहले क्या था, टमेटो और अनियन पोटेटो के लिए शुरू हुआ था, एंड देन अ लॉट ऑफ अदर क्रॉप्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो ऑपरेशन ग्रीन वॉज द आंसर. तो दिस अगेन वॉज नॉट फ्रॉम अ स्टैटिक पोर्शन. तो देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चन हैं अभी हमने देखे, तो स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चन आए भी हैं वो काफ़ी ईजी आए. Now again, this is a dynamic in nature. This question came. NABARD project aimed for digitization of self-help group. So NABARD ka kaun sa initiative hai in which they are focusing on the digitization of existing self-help groups? The answer is E-Shakti. This was again covered in NABARD annual report. So bahut important hai NABARD annual report. Alright, dynamic in nature. Theek hai. The next question is instrument used for measuring relative humidity. The answer is hygrometer. तो ये भी आपके important हैं, ये सारे जितने भी instruments होते हैं, ये भी आप जब आप factors affecting crop production पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे humidity जो है that affects your crop production, the moisture level in your soil. तो वहाँ पर हम उससे related instruments भी पढ़ते हैं. तो जैसे विंड पढ़ेंगे, विंड ऑल्सो अफेक्ट्स योर क्रॉप प्रोडक्शन. सो विंड की डायरेक्शन को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, वेलोसिटी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो इसी तरीके से वहां पे ये इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड है. ऑलराइट, सो ये स्टैटिक पोर्शन आपका आता है. देन क्वेश्चन आया था व्हील हो टूल इज यूज फॉर वर्ड. तो टूल्स आर इम्पॉर्टेंट एग्री इंजीनियरिंग और एग्री मशीनरी जो है, फार्म इंजीनियरिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी टूल्स यूज होते हैं फार्म में वो सारे हम कवर करते हैं वहाँ पे. तो दे आस्क दिस व्हील हो टूल. तो टूल से एक क्वेश्चन हर बार आता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो फार्म इंजीनियरिंग जब आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो आ रहे हैं टूल्स एंड मशीन से. वो आपको पता होना चाहिए कि कंबाइन हार्वेस्टर अगर यूज़ हो रहा है तो वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, तो मशीनरी का पर्पस आपको पता होना चाहिए, टूल्स का पर्पस आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा. नाउ अगेन दिस इज अ वेरी क्वेश्चन, बहुत सिंपल था. दे हैव मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्कीम. अगेन तो स्कीम से क्वेश्चन आया है यहाँ पे. तो एक ऑब्जेक्टिव इन्होंने मेंशन किया है कि दिस स्कीम इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विदाउट एनी ब्रेक फ्रॉम द फार्म गेट टू द कंज्यूमर एंड इट कवर्स क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अलॉन्ग विद द इंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम प्री कूलिंग वेइंग सो एंड सो दिस सी स्टोरेज पैकेजिंग फैसिलिटी एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर स्कीम्स. ऑलराइट, सो अब ये कौन सी स्कीम है, ये तो आपको पूरा का पूरा जो स्कीम का नाम है वो इस पूरे ऑब्जेक्टिव में ही नजर आ रहा है ना, कि कोल्ड चेन का डेवलपमेंट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में वैल्यू एडिशन करना है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है. सो दे आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस स्कीम वॉज कवर्ड इन द ESI ऑल्सो. ऑलराइट, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन स्कीम का ऑब्जेक्टिव पूछा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम ENAM. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी रहता है, हर अपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, हमेशा रहता है ये.
सो ई नैम में उन्होंने पूछा था कि मोर ट्रेडिंग इज डन इन विच कमोडिटी. सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बिकॉज हम ई नैम जब हम पढ़ते हैं तो ई नैम कब इंट्रोड्यूस हुआ उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, बट हम नॉर्मली वेबसाइट में जाके ये नहीं चेक करते कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम देखें तो कौन सी कमोडिटी को ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है. तो आई वुडंट से कि दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन और हमने इसको कवर भी नहीं किया था एंड आई डोंट थिंक एनी वन वुड हैव कवर्ड दिस. एंड या तो ई नैम में हम नॉर्मली क्या करते हैं, सुपरफिशली पढ़ते हैं, बट देव आस्क दिस क्वेश्चन आई वुड से कि काफ़ी इन डेप्थ में पूछा है. द करेक्ट आंसर वॉज ऑल दो वेजिटेबल ऑलराइट, बट वही है कि वन और टू क्वेश्चन अगर पूछ भी लेते हैं तो आई डोंट थिंक आपका फोकस उन एक या दो क्वेश्चन में होना चाहिए जो कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हो. आपका टारगेट 30 प्लस होना चाहिए. 30 के ऊपर कोई भी एआरडी में आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं दैट इज अ सेफ, ठीक है, आप सेफर साइड पे हैं अगर आप एआरडी में 30 प्लस स्कोर कर लेते हैं. एंड 30 स्कोर करना आई वुड से इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर अडॉप्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे तो यू कैन ईजिली फेच दोज मार्क्स. ऑलराइट, देन द अनदर क्वेश्चन दे आस्क्ड इज हेंस रियर्ड फॉर एग पर्पस आर नोन एज व्हाट. तो एनिमल हस्बेंड्री इज अ टॉपिक इन योर सिलेबस और उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ स्टॉक के बारे में. जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रीड्स पढ़ेंगे, ब्रीडिंग पढ़ते हैं उसमें, राइट. तो डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ काउज और डिफरेंट एनिमल्स आर कवर्ड देयर लाइफ स्टॉक पर्पज. जितने भी कैटल्स जो है आपकी सारी कवर्ड होती है वहाँ पे. तो पोल्ट्री हम उसमें पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री में. पोल्ट्री इज योर सब टॉपिक. तो पोल्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो हेंस हैं जिनको स्पेसिफिकली एग के लिए यूज़ किया जाता है उनको हम लेयर्स बोलते हैं. इसी तरीके से आप यू विल ऑल्सो कम टू नो दैट जो चिकन्स हैं जिनको स्पेसिफिकली दे आर ग्रोन फॉर दे आर फ्लैश आर कॉल्ड व्हाट, ठीक है. तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बॉयलर्स हैं, लेयर्स हैं, यू विल कम टू नो अबाउट देम. और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. अब अगर मैंने इसमें देखा तो एनिमल हस्बेंड्री में मैं गोट्स के बारे में पढ़ूंगी, कैटल्स के बारे में पढ़ूंगी, हेंस के बारे में पढ़ूंगी, तो इसमें इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड यू द चांसेस आर दैट यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ओनली. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम द स्टैटिक. दे आस्क्ड दैट लोन अप टू 50,000 अंडर मुद्रा योजना. अगेन दिस वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम. सो मुद्रा योजना में 50,000 तक के लोन को क्या बोलते हैं, शिशु. तो आपने पढ़ा होगा देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोन जिसमें शिशु होता है, तरुण होता है ना. तो उसमें उन्होंने क्या पूछा सिंपली कि 50,000 का जो लोन है उसको हम क्या बोलते हैं. मुद्रा योजना में जो कैटेगरी है वो इम्पॉर्टेंट है. सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपको स्कीम्स को पढ़ना है. द अनदर क्वेश्चन दे आस्क फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री वॉज मेल गोट्स केपेबल ऑफ ब्रीडिंग इज कॉल्ड व्हाट. अगेन टर्मिनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. तो आपको फोकस करना है कि आपको पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी पता हो. सो दे आर नोन एज बग्स. ऑलराइट, तो ये स्टार्टिंग में हमने कवर किया हुआ है. अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम. हियर ऑल्सो देयर हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम DAY NRLM, ठीक है. तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है आपकी, वहां से एक क्वेश्चन आया था. एंड दे आस्क्ड दैट दे हैज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन टू कवर द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक्स एंड 7% ऑन ऑल क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेल्ड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है. तो उन्होंने बोला ठीक है कि इस तरीके के प्रोविजन है NRLM में इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए. अगर 3 लाख का जो भी पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो लोन लेती है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर लोन लेती है तो उनको उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द बैंक लेंडिंग रेट्स एंड 7% फॉर लोन्स अप टू 3 लाख इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1 और लिमिट ऑफ व्हाट. तो अब बैंक लेंडिंग रेट्स और इंटरेस्ट सबवेंशन जो उनको मिलेगा और जो इस 3 लाख पे 7% का लोन लग रहा है, तो उसमें उन्होंने कि ये मैक्सिमम लिमिट के बीच में जो डिफरेंस आएगा लेंडिंग रेट में और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दिया जाता है वो कितना होगा, ठीक है. तो अगर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन पता हो कि आपको कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है तो आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है एंड द आंसर इज 5.5%. तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है कि स्कीम्स में
स्पेसिफिकली क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो रूरल डेवलपमेंट से अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो स्कीम से आ रहे हैं. एक भी क्वेश्चन स्टैटिक से नहीं आया रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है. तो उस पर जितनी भी स्कीम्स है उसके जो प्रोविजन हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन आई वुड से इज अ डायनामिक इन नेचर, ऑल्दो बहुत लेटेस्ट नहीं है क्योंकि आईटीसी का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काफ़ी पुराना हो चुका है. तो बहुत ऐसा नहीं था कि लास्ट 5-6 मंथ्स के अंडर जो है वो करंट में रहा होगा, बट स्टिल ईनैम जो है वो काफ़ी करंट में रहता है. और एक वो जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसी तरीके से ये एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो दे आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईटीसी इज कॉल्ड व्हाट, सो इट इज नोन एज ई चॉपर. ऑलराइट, सो दीज वर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आई हैव बीन मिसिंग अ फ्यू क्वेश्चन हियर, 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम द ईआरई सेक्शन एंड आई डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बट आई थिंक यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया लाइक व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर बी आस्क्ड एंड व्हाट आर द एरियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन. सो हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर से दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द प्लांटिंग सिस्टम, वेरी इजी वन, राइट. देन वी सीम कि एनिमल हस्बेंड्री से जो क्वेश्चन आ रहा है दे आर मोस्टली टर्मिनोलॉजी बेस्ड, सो यू हैव टू टेक इट इनटू माइंड कि आपको क्या है टर्मिनोलॉजी को नहीं भूलना है, उसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आप इस ईजी ईजी टर्म्स है वो आप याद कर लेंगे एंड देर आर द चांसेज दैट द क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम दैट पोर्शन ओनली, ठीक है. इसी तरीके से स्कीम्स जो है रूरल डेवलपमेंट की, स्टैटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. करंट अफेयर्स से आपको जितनी स्कीम्स हैं इसके प्रोविजंस हैं वो आपको सब पता होने चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जितनी भी स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. नबार्ड एनुअल रिपोर्ट सुपर 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 इंपॉर्टेंट, यू गॉट 3-4 क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा. नबार्ड इनिशिएटिव्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनिशिएटिव्स आर इम्पॉर्टेंट. स्टेट रैंकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर सेंसस इज इम्पॉर्टेंट, लाइफ स्टॉक सेंसस इज इम्पॉर्टेंट, राइट. तो आपने देखा कि वहाँ से क्वेश्चन है. दिस ईयर फिशरीज से आपको 3 क्वेश्चन मिले, मे बी आने वाले एग्जाम में यू विल गेट 1 क्वेश्चन फ्रॉम देयर, और क्रॉपिंग सिस्टम से इस बार 4 क्वेश्चन आ जाएं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है. बट दीज आर द एरियाज दैट ऑलवेज बीन आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है. यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम से आपको कभी 2 क्वेश्चन पूछ ले, कभी 1 क्वेश्चन पूछ ले, बट क्वेश्चन पूछा जाएगा. फिशरीज से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे, मे बी नेक्स्ट ईयर दे आस्क 1 क्वेश्चन ओनली, और मे बी दे कैन आस्क 4 क्वेश्चन ऑल्सो. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज एंड आई होप यू गेट अ फेयर आइडिया लाइक वट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर एंड दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग दिस सेशन. इन केस यू हैव एनी क्वेरीज डू पोस्ट इट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर देम. एंड इन केस यू वॉन्ट एनी सेशन ऑन एनी अदर टॉपिक जस्ट लेट मी नो and I'll do that. Yeah, so this was all about today's session and I'll see you in the next session. Till then, keep working hard and keep studying, keep smiling. Goodbye.